हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास टेंथ की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यह होगा हिंदी में आपका चैप्टर जो है, क्योंकि यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाली है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स बिगिन इट। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके ब्याह पे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर है, वह दे रखा है हमारे पास, पहली चीज। दूसरा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वह 4 मोर है इसके विड्थ से। ठीक है, इतना आ गया समझ में। यानी कि विड्थ जो है, अगर सपोज 2 है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी 2 से 4 मोर ज्यादा होगी, यानी कि 6 से ऊपर होगी, 6 भी हो सकती है और 6 से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है 36 मीटर इज 36 मीटर, ये 36 मीटर क्या है, यह है आपका हाफ पेरीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हमने क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना, यानी कि इसकी बीमाएं निकालनी है। बीमाएं क्या होती है, जो आपकी लेंथ और ब्रेथ होती है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, यहां पर देखिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि विड्थ हो जाएगी, यानी कि आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि विड्थ हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, और लेंथ के लिए क्या कह रहा है, 4 मोर है किससे, विड्थ से। तो सबसे पहले हम विड्थ को ही एज्यूम करेंगे। तो विड्थ के लिए क्या एज्यूम करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर सॉल्यूशन करेंगे जब इसका। ठीक है, तो यहां लिख देंगे लेट द विड्थ टू बी एक्स। ठीक है, सपोज इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, x मीटर है सपोज, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या कैपिटल T लिख देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा जो हमारी लेंथ है, तो यहां लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या हो जाएगी, विड्थ की 4 मोर, यानी कि प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ क्या है, x है, और जो लेंथ है वह 4 मोर है विड्थ की, तो विड्थ ये रहा, इससे 4 मोर क्या है आपकी लेंथ है, ये बन गई हमारी स्टेटमेंट। दूसरी चीज, हमारे पास गिवन क्या है, पेरीमीटर दे रखा है, उसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है एल प्लस बी। क्या होता है, एल प्लस बी। अब यहां पर हमारे पास जो है पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर का, कितना दे रखा है, 36 मीटर, उसको हम यहां नोट डाउन कर लेंगे, और लेंथ भी आ चुकी है हमारे पास, और जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो यानी कि हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, एक्स प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर है हमारा 36 मीटर इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है, x प्लस 4, फिर बीच में प्लस है तो यहां प्लस लग जाएगा, और ब्रेथ यानी कि जो आपकी विड्थ है वो कितनी है, x है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 इज इक्वल टू, ये भी x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, तो 2x हो जाएगा प्लस 4। अब ये 4 यहां प्लस में, यहां के माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, ये कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहां के अपॉन में चला जाएगा, तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 32 अपॉन आपका 2। इस 2 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, क्योंकि 16 2 जा 32, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर। ठीक है, अब ये x हमने क्या एज्यूम किया था, हमने विड्थ एज्यूम किया था, यानी कि आपकी विड्थ कितनी आ गई, 16 मीटर, तो ये हो जाएगा 16 मीटर, विड्थ आ गई हमारी 16 मीटर, और लेंथ कितनी होगी,
देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहां लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ के लिए क्या था हमारा x प्लस फोर, तो यहां लिख देंगे x प्लस फोर। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो कितनी है 16, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब लेंथ आ चुकी है और हमारी जो है विड्थ कितनी आई है 16 मीटर और लेंथ कितनी आई है 20 मीटर, तो हमको यही सॉल्यूशन में लिखना था। तो यहां लिख देंगे विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर एंड जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, बस आपको यही फाइंड करना था। हमको डायमेंशन निकालने थे, तो डायमेंशन हमारा क्या है, विड्थ आ गई 16 मीटर और लेंथ आ गई 20 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा फिफ्थ है उसको बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व किया है। अगर कहीं पर डाउट लगता है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लें और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।